हेलो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन रहेगा जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ सल्पा विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स, तो स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑफ सल्पा के बताना है। तो इसका आंसर करने का तरीका सिंपल है, आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे, क्लासिफिकेशन के बाद उसका हैबिटेट लिख दीजिए, हैबिटेट के बाद उसका जो दो स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है तो दोनों स्ट्रक्चर को पहले लिख दीजिए, तब स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, तब उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दो फॉर्म होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखा गया, तो ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा का है। उसके बाद इसका क्लास देख रहे हैं, ये थैलीएसिया है। ऑर्डर इसका हेमिमेरिया है। अब उसके बाद उसका हैबिटेट के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सल्पा इज अ कॉस्मोपोलिटन मेराइन एंड टिपिकल वह पेलाजिक एसिडियन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल सीज में, यह लगभग दिखाई देते हैं। यह डायमॉर्फिक होते हैं, यानी कि दो फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जानते हो कि यह जनरेशन चेंज करता है, मतलब यह अपना स्ट्रक्चर पूरे जीवन भर में दो बार चेंज करता है, इसीलिए डायमॉर्फिक यह कहलाया। तो सॉलिटरी फेज इसका दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो देखें यहाँ पर, एक सॉलिटरी फेज इज असेक्सुअल, यानी कि सॉलिटरी जो इसमें केवल सॉलिटरी हो, यानी कि केवल सिंगल वाला हो, यह अकेला पसंद करना पसंद करता है, तो वह असेक्सुअल, जिसको उजवाइट फेज कहते हैं, तो यही है असेक्सुअल उजवाइट फेज, यानी कि अकेले ही समय रहता है। और इसका दूसरा फॉर्म है जो कि ग्रेगेरिया फेज कहते हैं, जिसको सेक्सुअल गोनोजवाइट और इसी को ब्लास्टोजवाइट कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, एक यहाँ पर तो देख लिए असेक्सुअल उजवाइट जिसको सॉलिटरी फेज कहते हैं, उसके बाद ये है ग्रेगेरिया फेज जिसको ये गोनोजवाइड और ब्लास्टोजवाइट फेज कहते हैं। तो दोनों फेज के बारे में अब तो एक्सप्लेन आप थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में लिखते, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, तो नीचे देख ही रहे जो सल्पा होता है, तो सल्पा के बॉडी होता है वो फैंट कलर्ड होते हैं एंड इसका ट्रांसपेरेंट बट प्लेस वेयर एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट सिचुएटेड आर ओपाक के कारण वह झका जाता है। द बॉडी इज प्रिज्म शेप्ड और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और ग्रेटली वेरिएबल इन लेंथ में होते हैं, इसका लेंथ वेरी करते रहता है। तो हमने पहले बताया कि ये दो फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, तो असेक्सुअल जो उजवाइट फेज होते हैं, तो उजवाइट फेज के बारे में आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम और इसके बारे में लिखना है। तो उजवाइट फेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उजवाइट फेज है सल्पा, जो कि उजवाइट है, तो इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर करना है कि उजवाइट फेज होता है। तो अब ये डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, यही उजवाइट फेज है, यही आगे चल कर के जो देख ही रहे हैं यहाँ पर स्टोलेन विद ब्लास्टोजवाइट, तो यही आगे चलकर इससे बहुत सारा ये ब्लास्टोजवाइट बनता है। तो यही ये ब्लास्टोजवाइट, यही इतने छोटे छोटे कर कर के बहुत सारा ये बन जाता है, सेक्सुअल जवाइट बन जाता है। तो ये तो असेक्सुअल वाला देख रहे हैं, तो यही असेक्सुअल, इसी के बारे में लिखना है उजवाइट। तो यही है कि उजवाइट के बारे में बॉडी का देख सकते हैं, यहाँ इसका पूरा सल्पा उजवाइट फॉर्म है। ये ओरल अपर्चर है, माउथ इसका इस भाग में होता है, सेंसरी ऑर्गन देख रहे हैं यहाँ, ये सेंसरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। इंडो स्टाइल वाला भाग, ये सब इंडो स्टाइल में आता है। उसके बाद मेंटल, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेंटल है। उसके बाद हार्ट इसका यहाँ पर है, हार्ट के बाद इसमें ये भी हमें देखने को मिलता है आर्टियल अपर्चर, क्योंकि ये जो अपर्चर होता है यही आर्टियल अपर्चर है। ये स्टोलेन विद ब्लास्टोजवाइट है, पहले बताया कि इसी से बहुत सारा जवाइट बनेगा, तो ये तो असेक्सुअल फॉर्म है। और यही जैसे एगो आप इस तरीके से एक निकालेंगे, ये फॉर्म आप निकालेंगे, तो इसी फॉर्म डेवलप होकर ये इस तरीके से बना लेता, तो ये तो खैर सेक्सुअल जवाइट है, वही आगे चलकर डेवलप होता है, तो इस तरीके से बहुत सारा बनता है। तो अभी तो असेक्सुअल जवाइट के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर है कि प्रिज्म शेप्ड और सिलेंड्रिकल हो सकते, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं ये। इट डेवलप्स फ्रॉम एग पॉसेस स्टोलेन बट नो गोनाइट्स, इसमें ये होते हैं देख रहे हैं, स्टोलेन में ही इसमें जवाइट प्रजेंट होते हैं, तो यही बात है, गोनाइट्स प्रजेंट नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट इसमें प्रजेंट नहीं होते हैं। तो यही है कि यह एक पॉसेस स्टोलेन बट नो गोनाइट्स इसमें होते हैं। द टेस्ट जो होता है यह इज ट्रांसपेरेंट, इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट विद कोनिकल प्रोसेस होते हैं, इसमें कोनिकल प्रोसेस देख ही रहे किस तरीके से ये प्रोसेस ऑफ टेस्ट है, तो यही कोनिकल इसमें पूरे ये होते हैं प्रोसेस। ऑर्डर तो देख ही चुके हैं, द ओरल एंड आर्टियल अपर्चर आर सराउंडेड बाई ओरल इंस्फेक्टर एंड
आर्ट्रियल स्फिंक्टर, ओरल जो होता है देख रहे हैं वह इंस्फिक्टर, यानी कि इंस्फिक्टर मतलब इसको ढके हुआ रहता है। ओरल अपर्चर को ढकने वाला भाग इधर होता है और आर्ट्रियल अपर्चर को ढकने वाला भाग भी इधर होता है, तो दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये तो उजवाइट के बारे में भी हम देख रहे हैं। उजवाइट के बारे में और बातें यहाँ पर है कि माउथ जो होते हैं बाउंडेड बाई डोर्सल एंड वेंट्रल लिप्स इसमें होते हैं। तो यहाँ पर लिप्स तो खैर यहाँ पर नहीं बता रहा, लेकिन इसमें लिप्स भी होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल लिप्स, लीड्स इनटू लार्ज फेरिंग्स, और वही लिप्स के बाद उसके अंदर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद वो उसी में इंडो स्टाइल वाला भाग प्रेजेंट होते हैं। तो इंडो स्टाइल देख ही रहे हैं कि लिप्स यही से प्रोसेस करता है, लिप्स के बाद वह इंडो स्टाइल होता है। इंडो स्टाइल में इसमें देखें तो लमीला फॉर्मिंग सिलिएटेड गिल बार, तो यही लमीला इस तरीके से देख रहे हैं, यही इसमें गिल्स बार इस तरीके से निकले होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लमीला फॉर्मिंग गिल बार, और फिर उसके बाद द फेरिंग्स कम्युनिकेट्स लैटरली ऑन आइदर साइड विद द एट्रियम थ्रू अ सिंगल लार्ज गिल स्लिट्स। तो बता ही चुके इसमें लार्ज गिल स्लिट होते, ओसोफेगस स्टोमैक इंटेस्टाइन एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स ये सब होते हैं, वह कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब सभी आपस में एकदम जुड़े रहते हैं, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। तो ये सब एक तरीके से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना देता है, इसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो ये मसल्स बंडल के अंदर देखेंगे तो ये सब इसी में होते हैं, ओसोफेगस स्टोमैक इंटेस्टाइन इसी में वह होते हैं। तो यही है कि कॉम्पैक्ट मास में रहते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। हार्ट देख ही रहे तो हार्ट कहाँ पर देखे हैं कि या मिड और वेंट्रल साइड होते, बिहाइंड द इंडो स्टाइल, इंडो स्टाइल के इस साइड होता है। तो यहाँ हार्ट है और इंडो स्टाइल के देख रही है, इंडो स्टाइल वाला भाग है इसी के यह बीच में प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड द इंडो स्टाइल, तो बीच में है और इंडो स्टाइल इस सबसे ऊपर वाला भाग है और इसी ऊपर के नीचे ये हार्ट इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर है कि आई स्पॉट जिसको ओ सेलस कहते हैं प्रजेंट एबव द नर्व गैंगलिया, आई स्पॉट जिसको ओ सेलस कहते हैं नर्व गैंगलिया भी यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसी के ऊपर प्रजेंट होते हैं। ये नर्व गैंगलिया वाला भाग है, इसके ऊपर आई स्पॉट प्रजेंट होते हैं, यानी कि आँख जैसा भाग प्रजेंट होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द स्टोलन तो देख ही लिए भाग के पीछे है, एराइज बिटवीन हार्ट एंड इंडो स्टाइल के बीच में एराइज होते हैं, प्रोजेक्ट नियर दी एट्रियोपोर एंड फॉर्म्स अ चेन ऑफ बड्स विच ब्रेक ऑफ टू बिकॉम दी ग्रेगेरिया सेक्सुअल गोनोजोइट्स और ब्लास्टोजाइट्स। तो यही हमने अभी बताया है कि यही स्टोलन विद ब्लास्टोजोइट है, इसी में ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट देख रहे और एक इंडो स्टाइल देखे थे यहाँ पर, इंडो स्टाइल, इंडो स्टाइल के नीचे हार्ट है और हार्ट के थोड़ा ऊपर और इंडो स्टाइल के थोड़ा नीचे ये वाला स्टोलन प्रेजेंट है। यही स्टोलन आगे चलकर ये छोटा छोटा भाग टूट टूट कर इस तरीके से बहुत सारा फॉर्म बना लेगा, जाएगा टूटेगा उतना बन जाएगा। तो इस तरीके से ये अभी हमने असेक्सुअल जो फॉर्म होता है वो देख लिया, अब हम सेक्सुअल फॉर्म जो है सेक्सुअल जोइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, यानी कि इसके बारे में देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसी के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो वह हो जाएगा। तो एट्रियल अपर्चर यही देख रहे हैं, विसरल न्यूक्लियस, ये पूरा भाग विसरल न्यूक्लियस है, इंडो स्टाइल वाला भाग ये है, इसके नीचे देखेंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं, उस डोर्सल ट्यूबर कल है, फिर ब्रांकियल अपर्चर यहाँ पर देख रहे हैं, मेंटल वाला भाग ये है, टेस्ट जो देख रहे हैं ये पूरा टेस्ट वाला भाग है, मसल्स बैंड्स ये है। विसरल न्यूक्लियस में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सब प्रेजेंट होता है, यही पार्ट के बारे में तो एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकते, जो भी हमने देखा उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेक्सुअल फेज यही है सेक्सुअल फेज, क्योंकि सेक्सुअली बनता है। सेक्सुअल फेज और ब्लास्टोजोइड डिफर फ्रॉम द असेक्सुअल ओजोइड, ये दोनों में डिफर ये होता है कि इन बीइंग स्मॉलर एंड एसिमेट्रिकल होते हैं, हैविंग फीवर टेस्टिस भी इसमें प्रजेंट होते हैं, यानी कि गोनाइड्स प्रजेंट होते हैं ये ब्लास्टोजोइड में, विदाउट स्टोलेन एंड टेस्ट प्रोसेस एंड हैविंग गोनाइड्स भी तो होते ही है। तो ये सब में अंतर होता है, ओवरी प्रोड्यूस इसमें टेस्टिस और ओवरी भी होते हैं, तो ओवरी प्रोड्यूस सिंगल ओवम एट अ टाइम, एक समय में एक ही ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर जब दोनों हो जाते तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है, इसमें इंटरनल होते हैं एंड टेल्ड लार्वा स्टेज अब्सेंट होते, इसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट होते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं,
एम्ब्रियो इसका जो होते हैं नवरिस्ट होता है, अगर इसके अंदर एम्ब्रियो होता तो वह नवरिस्ट किस तरीके से होता है, यानी कि पोषाता है, उसमें पोषण के लिए ये सब होते हैं प्लासेंटा के द्वारा एंड डायरेक्टली डेवलप इनटू एन असेक्सुअल ओजाइड। और यही जो फॉर्म है इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यही आगे चलकर इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से बनने के बाद यहाँ पर ये स्टोलन विद ब्लास्टोजॉइड बनता, फिर ये फॉर्म आकर ये होता है, तो ऐसे ही इसमें लाइफ साइकिल चलते रहता है, तो वही सब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यही है कि एम्ब्रियो नॉरिस्ट होता है प्लासेंटा के द्वारा डायरेक्टली डेवलप इंटू एन एसेक्सुअल ओजाइड विद एस्टोलन, तो वही एस्टोलन के साथ स्केप्स इंटू द सराउंडिंग वाटर में यह वाटर में बाहर आता है। सल्पा दस वीवी पेरस, इस तरीके से देख रहे हैं कि सल्पा जो होते वह वीवी पेरस होते, यानी कि बच्चे को जन्म देता है, सल्पा इज वीवी पेरस। तो ये आखिरकार ये तो बच्चा ही तो है, इस तरीके से छोटा पैदा करेगा, तो यह बच्चा ही तो हुआ। तो चेन ऑफ ब्लास्टोजॉइट्स फ्रॉम इट्स एस्टोलन, तो इस तरीके से यहाँ पर है कि इन कोर्स ऑफ टाइम ओजाइड डेवलप्स जो होता है वह चेन ऑफ ब्लास्टोजॉइट्स फ्रॉम इट्स एस्टोलन से डेवलप होता है। तो दोनों फॉर्म के बारे में आप यहाँ पर लिख दिए, ये दोनों फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो डेवलपमेंट तो बता ही चुके हैं कि मेल और फीमेल आकर उसको फ्यूज करता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पर जो होता है वह जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद इसमें ये होता है, ये होलोब्लास्टिक होते हैं। होलोब्लास्टिक मतलब ये टू वेन है इस तरीके से, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से ये क्लीवेज हुआ, फिर यही आगे चलकर ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लिया, फिर यही चलकर आगे इस तरीके से फॉर्मेशन कर लिया, फिर आगे चलकर ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेता, तो ऐसे ही डेवलप होते रहता। तो यही है कि यही सब लिखा होगा देख सकते हैं, लेकिन एक खास बात यहाँ पर ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब ये होता है कि इसमें ओवम पहले मेचर होता है। गाइनस मतलब जान ही चुके, गाइनस में फीमेल वाला पार्ट होता है, तो फीमेल का पार्ट पहले ये इसमें मेचर होता, तो वही बात है, नहीं तो यही सब लिख सकते हैं। तो डेवलपमेंट में है कि इन ईच ब्लास्टोजॉइड ओनली वन ओवम डेवलप इन वन ओवरी में होते हैं, जान चुके हैं ओवम मेचर फर्स्ट एंड देन टेस्टिस होता है, तो इसी को प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। जब ये दोनों हो जाते तो दिस चेक्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा यह चेक करते हैं, द ओवम ऑफ वन इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म के द्वारा वह फर्टिलाइज होता है, तब यह अर्लियर फॉर्म ब्लास्टोजॉइट्स बना लेता है, यानी कि ब्लास्टोजॉइट से पहले फर्टिलाइजेशन करता है, तब जो फर्टिलाइज्ड एग है वही डेवलप करता है एक फॉलिक्यूल विद इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट। तो ये जो है तो ये बॉडी जो पेरेंट का, इस तरीके से पेरेंट का बॉडी होता है, तो ये पेरेंट के बॉडी में ही होते रहता है ये सब प्रोसेस, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये पेरेंट का बॉडी है, इसी में वो होते ही रहता है डेवलपमेंट वाला प्रोसेस। तो यही यहाँ पर है कि विद इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट में होता है, तो यही आगे चलकर पहले बताया कि इस तरीके से बॉडी में होते रहता है, तो यही इस तरीके से डेवलप होता है। तो यही बताया कि ड्यूरिंग सेगमेंटेशन यहाँ पर है, सेगमेंटेशन इज होलोब्लास्टिक होते हैं, तो जान ही चुके हैं, एंड द एम्ब्रियो प्रोजेक्ट इनटू ब्रांकियल कैविटी में यह होते हैं, यानी कि इसके अंदर कैविटी बनने लगता है, यही जो है इसके अंदर कैविटी बनने लगता है इस तरीके से, तो डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये तो खैर डेवलप वाला भाग है, तो ये आगे चलकर इसमें कैविटी बन गया। फिर कैविटी बनने के बाद इसमें देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन प्लासेंटा इसमें बनने लगता है, इसी के जो अंदर होता है डेवलप, तो इसमें प्लासेंटा धीरे धीरे डेवलप होगा, तब यहाँ पर दीज सेल्स कॉल्ड मतलब कैलिम्नोसाइट्स कहते हैं, तो कैलिम्नोसाइट्स ये जो इसमें प्लासेंटा डेवलप होता है तो यही कहलाता है सेल्स। द फंक्शन ऑफ दिस सेल्स इज नॉट डेफिनेटली नोन, बट इट अज्यूम्ड द प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि ये अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार क्या वो करता है, लेकिन ये अभी तक एज्यूम किया गया हुआ है कि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ये जो देख रहे हैं मतलब एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो बहुत आसान है, इसी तरीका से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्यूरिंग सेगमेंटेशन मेनी ब्लास्टोमर्स आर फॉर्म्ड एमॉन्ग विच माइग्रेट सम फॉलिकुलर सेल्स में वह कुछ हो जाते हैं, एंड द सेल्स ऑफ द ओविडक्ट दीज सेल्स कॉल्ड कैलिम्नोसाइट्स, ये तो देख चुके हैं।
डेवलपमेंट साल्पा जो होते डायरेक्ट होते, मतलब इसमें कोई भी टेल्ड लार्वा नहीं होते हैं, और एम्ब्रियो डेवलप मसल्स बैंड्स बट डज नॉट डेवलप इनटू अ फॉर्म लाइक दैट ऑफ पेरेंट की तरह, वह डेवलप सही तरीके से नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि सेक्सुअली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फॉर्म्स द असेक्सुअल साल्पा और सोलिटरी जॉइंट्स, जो सेक्सुअली बनता है यही ना, सेक्सुअली बना है तो ये मेल और फीमेल के से ही तो बन रहा है, यही चलकर बनकर इस तरीके से बनाता है, बनता है मतलब बॉडी देख सकते ये बनता है, तो ये तो सेक्सुअली बना, सेक्सुअली कौन सी बन जाता है तो असेक्सुअल ओजाइट का फॉर्मेशन करता है, तो ज़्यादा भारी नहीं है। तो इन दिस फॉर्म एस्टोलन जो होता है, एस्टोलन पार्ट देखे हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट एंड इंडोस्टाइल के बीच में। तो ऑन द एस्टोलन डेवलप अ नंबर ऑफ बर्ड्स बाय बर्डिंग, वही बर्डिंग होकर यही वाला भाग है, यही आगे चलकर खूब डेवलप होते रहता है यही, और इसी में से टूट टूट कर बनता है। तो ऐसे ही इससे ये बॉडी है, इससे ये वाला बना, फिर ये वाला से ये वाला बना, फिर इससे ये बनता है, फिर इससे ये बनता है, तो ऐसे ही चक्र होते रहता है। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इन दिस फॉर्म एस्टोलन डेवलप्स फ्रॉम बिटवीन द हार्ट एंड इंडोस्टाइल, ऑन द एस्टोलन डेवलप अ नंबर ऑफ बर्ड्स बाय बर्डिंग एंड देयर नंबर इंक्रीजेज, और नंबर इंक्रीज करते रहता है, और एस्टोलन जो है वह धीरे धीरे इलोंगेट्स होता है, तब स्लोली ईच बर्ड डेवलप इंटू सेक्सुअल सल्पा, वही धीरे धीरे डेवलप होकर सेक्सुअल सल्पा बनाता है। द एस्टोलन अलॉन्ग विद बर्ड्स ब्रेक ऑफ वाइल जेनाइटल ऑर्गेन डेवलप एंड इवेंचुअली ईच बर्ड सेपरेट एंड स्विम्स फ्रीली एज सेक्सुअल सल्पा की तरह वह होने लगता है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, तो आसान है, और उम्मीद करते हैं अगर ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।